अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप अच्छे होंगे बेटा। आज बुध का दिन है, लेक्चर नंबर 21 है, 13 तारीख, पहला महीना 2021 ईयर है। जमात चाहारों के लिए हम नज़म चैप्टर पढ़ रहे थे साथ साथ, उसका बुक वर्क आज हम करेंगे, सफ़ा नंबर 110 और 111। कवायद हैं यानी ग्रामर के रूप से फेल और फाइल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो फेल का मतलब होता है कोई काम, फाइल काम को करने वाले को कहते हैं। ये बात समझ आ गई ना? फेल कोई काम, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना पीना, ये सब काम है ना, ये फेल है। इस तरह फाइल, जिसने ये काम किया है, किसी का भी नाम ले सकते हैं, अहमद ने, मुश्तबा ने, लड़के ने, लड़की ने, इस चीज़ को हम कहेंगे फाइल, जो काम कर रहा है, और जिसने काम किया है, जो काम किया है उसको फेल। अब हमने ग्रामर के रूप से सेंटेंसेस में ये चीज़ देखनी होगी कि फेल से मुराद है काम और फाइल काम करने वाला। अगर फाइल वाहिद हो तो फेल भी वाहिद होगा, अगर करने वाला वाहिद है तो फेल भी उसी मुताबिक वाहिद आएगा। लड़का खेलता है, अगर फाइल जमा है, इसमें लड़का फाइल है, खेलता फेल है, और ये है फेल नाकिस होता है, इसको कहते। अगर फाइल जमा हो तो फेल भी जमा होगा। लड़के खेलते हैं, लड़के फाइल, खेलते फेल। अगर फाइल यानी काम करने वाला मुज़क्कर है तो फेल भी मुज़क्कर होगा। बच्चा हंसता है, और अगर फाइल मुअन्नस है तो फेल भी मुअन्नस होगा। बच्ची हंसती है, छोटी ये लगाने से मुअन्नस बन जाता है ना। ठीक हो गया, आपको समझ आया? उसके अलावा एक और इसका टाइप भी है, अगर फाइल रुतबे या उम्र में बड़ा है, यहाँ से देखिए पेज नंबर सफ़ा 111, अगर फाइल रुतबे या उम्र में बड़ा है तो फेल के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल कर सकते हैं। उस्ताद साहब पढ़ा रहे हैं, फाइल और फेल पढ़ा रहे हैं जो है ये जमा के सीगे के साथ इस्तेमाल होता है। काम करने वाला उम्र या रुतबे में बड़ा हो तो फेल के लिए जमा का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते, सीगा इस्तेमाल कर सकते हैं। हैं जमा है सिंगल के लिए होता है, जमा के लिए। अगर एक से ज़्यादा फाइल हो तो फेल आखिरी फाइल के मुताबिक होगा। ये भी एक सिचुएशन है कि अगर दो या तीन लोगों ने ये काम किए हैं तो आखिरी जो फाइल होगा उसके मुताबिक फेल आएगा। इस स्कूल में लड़के लड़कियां पढ़ रही हैं। अब लड़कियों के साथ पढ़ रही हैं, लड़के तो पढ़ रहे हैं होता है ना, लेकिन लड़कियों की वजह से एंड पे लड़कियां था तो इसलिए उनके साथ मुअन्नस आया है। लड़कियां मुअन्नस तो ये भी मुअन्नस है, पढ़ रही हैं। अब ये हमने जुमले बना कंप्लीट करने हैं। फाइल के मुताबिक कद का ख्याल रखते हुए मुनासिब फेल लगाकर जुमला मुकम्मल कीजिए। अम्मी खाना पका रही हैं, यानी वालदा के लिए रही हैं, जमा का सीगा लगाया हमने। चूहा अलमारी के पीछे घुस गया है या छुप गया है? अब ये आपके ऊपर है कि आप छुप गया लगाते हैं या घुस गया क्या लगाते हैं। हम कल सैर को जाएंगे, हम ज़्यादा लोग हैं ना तो इसलिए जमा आएगा इसके साथ, सीगा जो है जमा लाएगा। आसमान पर परिंदे उड़ रहे हैं,
उड़ते हैं भी हो सकता है, उड़ रही हैं, दो उड़ते हैं उड़ रहे हैं, परिंदे काफी सारे हैं ना, तो उड़ रहे हैं या उड़ते हैं दोनों लग सकते हैं। मेरी छोटी बहन नात पढ़ती है, अब उसका फेल जो है वो अकेली लड़की है तो पढ़ती है, जकर और मोनस के हिसाब से मोनस हो तो मोनस ही आएगा ना उसका फेल भी। दादी जान और दादा जान, अब देखिए दादी यहाँ है मोनस और दादा जान मुजक्कर, लेकिन अब दादा जान आखिर में है तो इसके अखबार पढ़ते हैं उनके हिसाब से आया है, दादा जान के हिसाब से। सारे बच्चे मुकाबले के लिए तैयारी करते हैं, अब देखिए बहुत सारे बच्चे हैं तैयारी करते हैं, सीगा जो है जमा का आएगा इसके साथ। चिड़िया अपने बच्चों को दाना चुगाती है, धोबी कपड़े धोता है, धोबी सिंगल है तो उसके साथ सिंगल ही फेल भी आएगा, वाहिद है तो वाहिद ही फेल आएगा, सिंगल मैं आप लोगों सिंगल वो इंग्लिश के हिसाब से बात कर गया आपसे। मेरा भाई क्रिकेट खेलता है, अब भाई है ना तो इस वजह से खेलता है, उस मुजक्कर और मुअन्नस का ख्याल भी रखा जाता है। आपको ये समझ आ गया बेटा, अब आप लोगों का ये आप बुक वर्क कर लीजिए और जो रिटर्न वर्क पहले दिया हुआ था वो भी कंप्लीट करें, इंशाल्लाह देखें कब आपको को चेकिंग के लिए काम मंगवाना पड़ जाए। अल्लाह हाफिज़ बेटा।